नमस्कार किसान भाइयों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक के साथ। मित्रों, हमारे देश भारत में आज भी 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि की वजह से ही, इसके सराहनीय योगदान के कारण ही आज विश्व में भारत की साख बनी हुई है। लेकिन किसान भाइयों, हम जानते हैं कि कृषि करना यानी खेतीबाड़ी करना इतना आसान नहीं है, ये बहुत अधिक परिश्रम मांगती है। आप किसान भाई ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, रात दिन खेतों में मेहनत करते नजर आते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब आपकी इसी मेहनत का नतीजा यानी लहलहाती फसलें आपकी आंखों के सामने आती हैं, तो आपकी आंखें भी खुशी और गर्व के भाव से चमक उठती हैं। और जब किसान खुश तो हम भी खुश, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नई नई जानकारियाँ, खेती से जुड़ी हुई नई तकनीकों के बारे में हम आपको बताते हैं, साथ ही कैसे अच्छा फसल उत्पादन ले, ये जानकारियां भी हम आपको देते हैं। तो आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की पैदावार आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा चने की फसल में अगर कीट लग गए हों तो उनसे आप कैसे छुटकारा पाएं, ये अहम जानकारियां देंगे। लेकिन सबसे पहले, जी हाँ, वक्त है खबरें खेती की और मंडी भाव का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। रोजगार पैदा करने में सहकारिता की महती भूमिका, 20 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा फसल बीमा, देश में 241 लाख हेक्टेयर में बोनी, गुणकारी बथुआ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने में सहकारिता बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है और डेयरी से जुड़े सहकारी संस्थाओं ने डेयरी में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित कर इस बात को साबित कर दिखाया है। श्री सिंह ने कहा कि सहकारिता ने हर क्षेत्र में अपनी प्रभुत्वता बनाई है और सहकारिता के विशाल नेटवर्क से दुनिया भर में 100 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में खरीफ 2015 में सूखे से प्रभावित मध्य प्रदेश के 20,45,794 किसानों के बैंक खातों में 4,414 करोड़ की राशि इस माह समायोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज़ादी के बाद देश में पहली बार किसी राज्य को फसल बीमा की अब तक की सबसे बड़ी दावा राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को खरीफ 2015 में सूखे के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया है। देश में रबी फसलों की बुआई चल रही है। अब तक लगभग 241 लाख 73 हजार हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इसमें रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी 79.40 लाख हेक्टेयर में की गई है। इसी प्रकार अब तक दलहनी फसलें 74.55 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 25.98 लाख हेक्टेयर में तथा तिलहनी फसलें 56 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। बथुआ सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है। बलुई दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। खेत की तैयारी अन्य रबी फसलों की तरह ही की जाती है। बुआई सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर मार्च प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज को गोबर खाद में मिलाकर बुआई करते हैं। साथ ही कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जाति पूसा बथुआ 1, इसकी पत्तियां बैंगनी हरी होती है तथा लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। तना भी बैंगनी रंग का होता है। पहली कटाई बुआई से 40 से 50 दिन बाद की जा सकती है। और अब अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। किसान भाई गेहूं की पिछेती किस्मों की बोनी करें, साथ ही वैज्ञानिकों से सलाह लें। सिंचित मटर व आलू की बुआई करें। पूर्व में बोए गए आलू फसल में मिट्टी चढ़ाएं। किसान भाई रबी फसलों के बीज उपचारित होने पर ही बोनी करें। पशुपालक पशुओं को समय पर टीका लगवाएं। कृषि यंत्रों का अधिक उपयोग कर समय एवं धन बचाएं। और अब किसान भाई, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सबसे पहले हम मक्का उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। उमरिया में न्यूनतम 1,365 रुपए, वहीं अधिकतम 1,375 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 1,000 रुपए, वहीं अधिकतम 1,284 रुपए। बीनागंज में न्यूनतम 1,260 रुपए, वहीं अधिकतम 1,350 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 1,100 रुपए, वहीं अधिकतम 1,278 रुपए। अब हम धान उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। बरेली में न्यूनतम 1,650 रुपए, वहीं अधिकतम 2,136 रुपए। होशंगाबाद में न्यूनतम 1,550 रुपए, वहीं अधिकतम 2,191 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 2,200 रुपए और अधिकतम 2,700 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 1,110 रुपए, वहीं अधिकतम 2,100 रुपए। गेहूं उपज के रुपए प्रति क्विंटल में भाव इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम 1,990 रुपए, वहीं अधिकतम 2,030 रुपए। अजयगढ़ में न्यूनतम 1,850 रुपए और अधिकतम 1,875 रुपए। बीना में न्यूनतम 1,700 रुपए और अधिकतम 2,150 रुपए। देवास में न्यूनतम 1,991 रुपए, वहीं अधिकतम 2,100 रुपए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, इन दिनों हरी सब्जियों की बहार आई हुई है, चाहे फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो या फिर पत्तेदार सब्जियां। अगर इनमें हम बात करें गोभी वर्गीय सब्जियों की, तो ये स्वाद में तो लाजवाब होती ही हैं, पोषण से भी भरपूर होती हैं और आप किसान भाई इनसे कम दिनों में ज़्यादा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर गोभी वर्गीय सब्जियों की पैदावार के बारे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे फसल उत्पादन बेहतर लिया जाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विवेक गुमास्ता जी, जो कि उद्यानिकी कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE नवीबाग भोपाल में पदस्थ हैं। और किसान भाई ये ध्यान रखें कि बीज को जो है एक्सपायर्ड, उसकी एक्सपायरी वगैरह देख करके ही किसान भाई लें, उसको बीज को उपचारित करके ही किसान अपने नर्सरी में उसको डालें, नर्सरी में करें। और नर्सरी जो अभी हम रबी में बनाएंगे, वो किसान भाई 5-6 मीटर लंबाई रख सकते हैं, 1 मीटर उसकी चौड़ाई रख सकते हैं और समतल नर्सरियाँ बनाएंगे। अभी हमको बहुत उठी हुई नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है और पानी के स्रोत के पास नर्सरी हम बनाएं, तैयार करें। यदि संभव हो सके तो उसको हम पॉली नेट, जो नेट आता है हमारा इंसेक्ट प्रूफ नेट, उस तरह के उससे कवर करके छोटा सा एक लो टनल जैसा बना करके किसान भाई उसमें नर्सरी अगर तैयार करते हैं तो उससे भी काफ़ी जो रस चूसक कीटों का प्रभाव होता है वो नर्सरी स्तर पर आता है तो वो नहीं आता, वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक। इसके अलावा जो सकिंग पेस्ट, जो हमारे रस चूसक कीट होते हैं, उनके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो दवा आती है या इस तरह की कई दवाएं और आती हैं, डाइक्लोरोवास आती है, इस तरह की दवाओं को आप ड्रेंचिंग करके 2-3 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके उसको ड्रेंच करके भी रख कर सकते हैं। और साथ ही जब किसान भाइयों का ये नर्सरी जब तैयार हो जाती है और जो अभी लगा रहे हैं, तो वो प्रो ट्रे में भी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं प्रो ट्रे में। इसमें मैं बीज के विषय में बताना चाहूँगा कि जो उन्नत किस्में आती हैं उनमें थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रहेगी, वो 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए उतना बीज लगेगा। और जो संकर किस्में, हाइब्रिड किस्में, वो लगभग 200 ग्राम के आसपास लगभग बीज काफ़ी होता है एक हेक्टेयर के लिए। गोभी कुल की जो सब्जियां हैं, इनमें गोभी कुल में आप मूल रूप से आप सभी जानते हैं, जैसे कि आपकी फूल गोभी आती है, पत्ता गोभी आती है, ब्रोकली आती है, ये सभी क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत जो आने वाली सब्जियां, ये गोभी वर्गीय जो है
इनमें लगभग एक जैसा लगभग इनका हमको रख रखाव इनका प्रबंधन करते हैं इन सब्जियों में। तो जब ये किसान भाई उपचारित करके अपनी नर्सरी को अपनी रोपे को ट्रांसप्लांट अपने सीडलिंग्स को जो रोपा है सब्जी का उसको उपचारित करके उसको फील्ड में आप उसको लगाएं, और यदि आप ड्रिप से कर रहे हैं तो ड्रिप में अलग अलग स्पेसिंग से उसमें रहता है स्पेसिंग उसकी दी रहती है जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं स्पेसिंग में। जनरली 45 से 45 हम प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग ले सकते हैं और 60 से 60 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग आप गोभी वर्गीय सब्जियों में ले सकते हैं। और समय समय पर आप इसमें शुरुआत में इसमें एक चीज़ वो बताना चाहूँगा कि खेत की बात छूट गई, खेत की जो आपने तैयारी करके रखी ही होगी तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक हेक्टेयर के लिए 20 से 25 टन आप जैविक खाद उसमें अगर आप मिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो अनुशंसित NPK जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो हमारे अनुशंसित जो हमारी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश किसान भाई उसको अनुशंसित मात्रा में उस गोभी उसके लिए फसल के लिए आप डालें उसमें, और इस तरह से अगर आप करते हैं और साथ ही साथ अगर आप जैव उर्वरक को भी अगर आपको आप प्राप्त करते हैं जैव उर्वरक आपको मिलता है और उसको भी आप अपने ट्रांसप्लांटिंग के समय लगाते समय अगर आप मिलाते हैं तो भी बहुत उससे आपका 20 से 25% तक यील्ड में आपका बढ़ोतरी होती है, उपज में आपकी बढ़ोतरी होती है। और समय समय पर आप इसमें आवश्यकता अनुसार पानी का प्रबंधन जल प्रबंधन आप कर सकते हैं किसान भाइयों, और इसके साथ ही जो है साफ़ सफाई खरपतवार नियंत्रण जो है खेत के आसपास वो बहुत ज़रूरी है। कीट व्याधियां जो आती हैं मोटी मोटी जैसे गोभी वर्गीय उसमें आपकी ब्लैक डायमंड मॉथ जिसको एक आता है उसके लिए आप मेरा ये सुझाव है कि किसान भाइयों आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, रासायनिक को कीटनाशकों का प्रयोग आप लास्ट में ही आखिरी में अगर आपको लगता है कि भाई अब स्थिति नहीं है तभी आप जाकर के करें, अन्यथा आप यांत्रिक विधियां आप अपना सकते हैं जैसे पीले चिपचिपे जो कार्ड्स आते हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं 20 से 25 रुपये में मिल जाता है, ये रस चूसक कीटों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसके अलावा आप जो इस तरह की सब्जियों में आप जो है इनमें सरसों की फसल भी आप लगा सकते हैं आसपास, गेंदा लगा सकते हैं जो कि ट्रैप क्रॉप की तरह काम करता है। और मैं प्रथम रूप से तो यही कहना चाहूँगा कि आप जैविक रसायन कीटनाशकों का भी प्रयोग करें किसान भाइयों। और अंततः इसमें कुछ अच्छी वैरायटीज़ आती हैं जैसे फूल गोभी में स्नोबॉल 16 है, स्नोबॉल 1 है, स्नोबॉल 2 है, पत्ता गोभी में प्राइड ऑफ इंडिया है, गोल्डन एकर है, इस तरह की बहुत सारी अच्छी उन्नत किस्में आती हैं इनमें। इसके अलावा ब्रोकली बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं किसान भाइयों, रेड कैबेज भी इस समय मार्केट में नई सब्जियों में रेड कैबेज भी आ रहा है, इसको आप अपने नज़दीक के निकटतम कृषि आदानों की दुकानों से आप ले सकते हैं इनके बीज, और इनमें संकर बीज आपको मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसान भाई इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और अपनी मृदा की जाँच आप ज़रूर कराएँ और अनुशंसित मात्रा में जैव फर्टिलाइज़र्स का उर्वरकों का प्रयोग जैविक रसायनों का प्रयोग इस तरह से अगर आप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बहुत मुनाफा होगा। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर, जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन, भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों एक कहावत है, जो खाए चना सदा रहे बना। जी हाँ, रबी के मौसम में उगाई जाने वाली चने की फसल किसानों की मित्र फसल भी कही जाती है, क्योंकि चने की फसल वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठी कर भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व में
कुल चना उत्पादन का 70% हिस्सा भारत में होता है। जी हाँ, और इन दिनों चने की फसल की बुआई चल रही है। ऐसे में इस फसल में लगने वाले कीटों से आप कैसे छुटकारा पाएं, कैसे फसल की सुरक्षा करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आरपी शर्मा, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र देवास में कार्यक्रम समन्वयक के पद पर पदस्थ हैं। तो आप भी देखिए कैसे करें चने की फसल की सुरक्षा। किसान भाई, मुख्यतः इसमें दो प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। एक होता है कटुआ इल्ली। कटुआ इल्ली जैसे अभी हम लोगों ने जो चना बो दिया है, तो कभी कहीं कहीं किसान भाइयों को लग रहा होगा जब खेत में जाते हैं देखने के लिए सुबह, तो हमको लगता है कि कुछ जो है चना कटा हुआ दिखता है। वो चना कटा हुआ दिखता है तो निश्चित रूप से मानिए किसान समझता है कि कोई भाजी तोड़ने वाला आया है, इसलिए वो तोड़ के छोड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। जब चांस की चांस में पूरा लाइन में चना आपको कटा हुआ लगे तो समझ लीजिए वहाँ पे आपको मिट्टी हटानी पड़ेगी। वो मिट्टी हटाएंगे तो भूरे रंग की एक इल्ली आपको मिलेगी। वो भूरी इल्ली क्या करती है, ज़मीन से लगा हुआ जो हिस्सा रहता है उस हिस्से को जो है काट देती है। और ये इल्ली की विशेषता ये है कि इल्ली जो है सीधी सीधी काटती है, कभी भी आजू बाजू के कूड़ में जे नहीं जाएगी, सीधी लाइन में जाएगी और ये काट देगी। इस कीट की जो क्रांतिक अवस्था वो रहती है करीब करीब 18 दिन तक रहती है। चना हमने बो दिया तो 17-18 दिन तक ही ये कीड़ा नुकसान करता है, उसके बाद इस इल्ली का जो है प्रकोप हमारे खेत में अपने आप कम हो जाता है। इसकी रोकथाम की बात करें तो किसान भाइयों इसके लिए भूमि उपचार हम लोग करते हैं, या भूमि उपचार के अलावा गर्मियों में गहरी जुताई। गर्मियों में यदि आपने गहरी जुताई कर दी तो निश्चित रूप से मानिए इस इल्ली का प्रकोप आधा मतलब हो जाएगा, मतलब 50% इसका जो है इल्ली का प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा, जिन क्षेत्रों में इस कीट का ज़्यादा प्रकोप है उन क्षेत्रों में हमको चने के खेत में सिंचाई कर देना चाहिए। आपने देखा होगा जब खेत में चने के खेत में हम सिंचाई करते हैं तो जहाँ भी हमारा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बगुले आ जाते हैं। तो बगुले क्या करते हैं, इस कीट को जो है ढूंढ ढूंढ के इस इल्ली को खा जाते हैं। परिणाम जो होता है किसान को लगना कुछ भी नहीं है इसमें, और कीड़े का प्राकृतिक रूप से इसका नियंत्रण हो जा रहा है। दूसरा जो चने का मुख्य कीट है, चने की इल्ली हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा इसका नाम है। और चने की इल्ली केवल चने की फसल में नुकसान ही करती है, आज तो ये मुख्य कीट हो गया सोयाबीन का है, आपका बालोर में वो आती है, बैंगन में आती है, टमाटर में आती है, हर फसल को। कहने का तात्पर्य है कि सर्वोच्च कीट है, हर फसल में आता है, हर फसल को नुकसान करता है, लेकिन चने का ये मुख्य कीट है। और चने के कीट में जो इसका नुकसान जो है आर्थिक हानि स्तर जो हम देखते हैं, नेचर ऑफ डैमेज देखते हैं, तो इसका जो है जब हमारे फसल में 42-43 दिन पर जब फूल बनते हैं तो फूल वाली अवस्था पर इस कीट का प्रकोप होता है। शुरू की अवस्था में इसकी इल्लियाँ जो है खुरच के खाती हैं, पत्तियों पर जो भोजन है उसको खुरच के खाएंगी, और खुरच के खाने के बाद जैसी इसमें घेंटी बनती है तो घेंटी में जो है घुस के जो है दाने को डैमेज कर देती हैं, परिणामतः जो घेंटी है वो दाना हमारा नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, इस कीट को नियंत्रण करने के लिए बिल्कुल देसी तरीके हैं, और देसी तरीकों से इस कीट को 100% हम लोग जो है इसको नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है कि हम जो है 30-30 मीटर की दूरी पर एक खेत में लकड़ी गाड़ दें, और लकड़ी गाड़ दें उसके ऊपर चिड़िया को बैठने के लिए, जैसे लकड़ी गड़ी है यहाँ पे जो है, जैसे 30-30 मीटर की दूरी पर लकड़ी गाड़ दें तो इस पर जो है ऊपर चिड़िया बैठती है, और चिड़िया बैठती है तो आसपास चिड़िया जो है 15-15 मीटर चारों तरफ कवर करती है, या बीच में लकड़ी गड़ी है तो चारों तरफ देखेगी। और जो इल्ली की जो प्रौढ़ अवस्था है, पूरी फुल बड़ी हुई इल्ली है, प्रौढ़ इल्लियों को ढूंढ ढूंढ के ये खा लेती है। इससे एक फ़ायदा हुआ, एक तो पक्षियों को भोजन मिला, और दूसरा हमारा इल्लियों का प्राकृतिक रूप से कंट्रोल हो रहा है। दूसरा तरीका जो है इसमें NPB, हम लोग कीड़ों को मारे नहीं, कीड़ों को बीमारी फैला दें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस एक ऐसा जो वायरस है कि जब हम जो है 250 ml प्रति हेक्टेयर, 250 ml मतलब 250 ग्राम मान लें किसान भाइयों, तो 250 ml ले लें हम, और सुबह उसको जो है सुबह के समय या शाम के समय इसको जो है घोल बनाएं 400 लीटर पानी में, और 400 लीटर पानी में घोल बनाने के बाद इसको हम लोग एक हेक्टर में 250 ml का स्प्रे करें तो निश्चित रूप से मानिए ये जो है प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। ये एली जो है NPB प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, और इल्ली के पेट में भी एसिड की मात्रा रहती है। जब प्रोटीन एसिड के कंट्रोल कॉन्टैक्ट में जाती है तो प्रोटीन टूटती है, और प्रोटीन टूटेगी तो इल्ली का गला जो है चौक हो जाता है। तो जो है तीसरे दिन से इल्ली को बुखार आता है, बुखार मतलब इल्ली जो है खाना पीना बंद कर देती है। कुछ इल्लियाँ चौथे दिन मर जाती हैं, कुछ इल्लियाँ पाँचवें दिन मर जाती हैं। इससे NPV से यदि इल्ली मरी है तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इल्ली काली पड़ेगी, और काली पड़ने के बाद उल्टी लटक जाती है इल्ली। इल्ली हमेशा कई बार आपने देखा होगा प्राकृतिक रूप से भी जब हम खेत में जाते हैं
तो इल्लियों को जो हम लोगों ने उल्टा लटका हुआ देखा है, तो उस खेत में एनपीवी विषाणु ऑलरेडी है, इसलिए वो इल्लियाँ प्राकृतिक रूप से कंट्रोल होती हैं। 10 हेक्टर में चना है तो आप लोग केवल 1 हेक्टर के लिए एनपीवी लेके आए बाज़ार से, और बाकी जो है जो इल्लियाँ 5वें दिन आपके खेत में काली पड़ के मर गई हैं उन इल्लियों को लें और 10 इल्ली प्रति लीटर पानी के हिसाब से चटनी बनाएँ, और चटनी बनाने के बाद आप उसको खेत में स्प्रे कर दें तो निश्चित रूप से मानिए ये विषाणु जो है उस खेत में ही पहुंच जाएगा, धीरे धीरे इसका बढ़वार होगी और किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। अभी जो कीटनाशक दवाइयों के ऊपर किसान भारी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, विशेषकर हमारे मालवांचल में तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लीटर की दवाइयाँ लेके आ रहे हैं और उससे भी कीड़े कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उससे बल्कि क्या हो रहा है कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है। आज किसान भाई 2000 का कीटनाशक ला रहा है तो उसको झेल रहा है, उसको प्रतिरोधक क्षमता आ रही है, फिर किसान भाई हमारे जो है 10 से 12 हज़ार रुपये लीटर का भी लेके आ रहे हैं तो उससे भी कीटनाशकों का इफेक्ट जो है प्रभाव जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसान भाइयों इसमें जैविक नियंत्रण के लिए हमको जाना पड़ेगा। इसी प्रकार एक बेसिलस थुरेंजिसिस भी आता है बीटी पाउडर, तो बीटी पाउडर जो है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर लगेगा, उसको भी आप डालेंगे तो निश्चित रूप से मानिए इस कीड़े से आप लोग निजात पा सकते हैं। ये बदलाव क्या है, बदलाव से हुआ क्या है भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। पैदावार खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल, पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर, एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है, देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का, भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का, मंथन विचारों का, किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जा सकता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के अंक में आपने जाना कि गोभी वर्गीय सब्जियों की पैदावार कैसे करें, कैसे इनसे मुनाफा आप ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इन फसलों की सुरक्षा की जानी चाहिए और कौन कौन सी गोभी वर्गीय फसल आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि चने की फसल जो कि मध्य प्रदेश की भी एक अहम फसल है, उसमें कीट नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इन बीमारियों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमने आपको जो जानकारियां दी हैं वो आपकी खेती किसानी में लाभकारी सिद्ध होंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। तो अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीपेश जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।